नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात के माते स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के बकाया कर्ज को वसूलने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 493 वादों को आपसी सुलह समझौते से निपटाया गया और 97 लाख रुपए नगद बकाया ऋण की वसूली की गई। वहीं 3,75,00,000 की कुल वसूली की गई। लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश साक्षी गर्ग की अध्यक्षता में की गई। वहीं लोक अदालत में जिला जज कानपुर देहात साधना रानी ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। लोक अदालत में सहायक देहात साधना रानी ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। लोक अदालत में सहायक महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा कानपुर देहात SM आलम सहित बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने बैंकों से लोन लेकर किसी कारण से वापस जमा न कर पाने वाले लोगों को आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निपटारा किया। बैंक अधिकारियों ने लोक अदालत में 1 करोड़ रुपए की नकद जमा करने और 3 करोड़ की किस्तों के माध्यम से वसूली की कार्य योजना तैयार की थी। वहीं लोक अदालत में आने के लिए 2293 लोगों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 493 लोक अदालत में पहुंचे, जिसके चलते आपसी सुलह समझौते के माध्यम से 3,75,00,000 रुपए की रिकवरी की गई, जिनमें से 97 लाख रुपए नकद वसूले गए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। मैम आज क्या कार्यक्रम था? आज हमारे यहाँ बड़ौदा UP बैंक की जिला स्तरीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस लोक अदालत का आयोजन उत्तर प्रदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में हमारी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया श्रीमती साधना रानी ठाकुर मैम के गाइडेंस में किया गया था। इसमें करीब 2300 वाद लगाए गए थे, जिसमें से अभी तक कुल 4 बजे तक के आंकड़ों में 400 वादों का निस्तारण किया जा चुका है और करीब 3,75,00,000 की रिकवरी हम लोगों ने कराई है। मैम ये जो रिकवरी हुई कितने घंटों में हुई है? ये रिकवरी करीब 6 घंटों में हुई है, सुबह 10 बजे से और अभी भी चल रही है। 5 बजे तक 5:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। थैंक यू। आज ये लोक अदालत का कार्यक्रम है यहाँ पे, जिसमें हमने अपनी 59 शाखाओं की इसमें सहभागिता है और हमने 2200 लोगों को नोटिसेस इसमें दी हैं। हमारा प्रयास ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी से अपने कर्जे को जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये लोक अदालत एक ऐसा मौका है कि जिसमें वो सम्मिलित होकर के और यहाँ पर बातचीत होती है उनसे, जिसमें हम उसमें कुछ रियायत देते हैं और उस रियायत के साथ वो अपने टोकन मनी या पूरा पैसा जमा करते हैं। इसमें हम 90 दिन का समय देते हैं इनको कि विद इन 90 डेज इस लोक अदालत के वो अपना पूरा पैसा जमा कर सकते हैं। तो इसमें हमारे बहुत से ऐसे लोग, तमाम SHG की महिलाएं ऐसी हैं जो गरीब हैं, परेशान हाल हैं, जिनको बैंक ने सुविधा दी थी लेकिन किन्हीं कारणवश वो नहीं अच्छे से चला पाए ग्रुप को और उनकी आमदनी नहीं हो पाई, तो उन्हें हम अच्छी राहत इसमें मुहैया कराते हैं जिससे वो कर्ज से मुक्त हो जाएं। और हमारा ध्येय यही है कि सभी लोग कर्ज से मुक्त हों, जो भी किन्हीं कारणों से नहीं दे पा रहे हैं उनको हम यहाँ कवर करते हैं लोक अदालत में। हमारे पास OTS और कंप्रोमाइज़ की स्कीम है ज़रूर बैंक की, जिसमें हम बैंक में करते हैं, लेकिन उनसे भी जो नहीं हो पाते उन्हें हम लोक अदालत के ज़रिए उनका यहाँ पे निस्तारण करते हैं। सर टारगेट क्या था, कितने तक का? हमने ये टारगेट लिया है कि हम 1 करोड़ की कैश रिकवरी कम से कम करें और करीब 3 करोड़ रुपये जो है वो हम इसमें NPA को डाउन कर सकें। हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये हमारे लिए बहुत ही खतरे की बात होती है, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे इससे असर पड़ता है और निश्चित रूप से इसमें जो रिकवरी हम करते हैं वो अगर हमारे DB3 और लास्ट के हैं अकाउंट्स तो हमारा वो 100% प्रोविज़न हम कर चुके होते हैं। इसमें जो भी रिकवरी हम करते हैं वो हमारी 100% जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती है।